मध्य प्रदेश में नागरिकता कानून के पक्ष में प्रदर्शन करते बीजेपी वर्कर्स और राजगढ़ की डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा के बीच झड़प की एक नई सूरत सामने आई है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में प्रिया ने बताया कि लोगों को रोकने की कोशिश के दौरान किसी ने उन्हें पीछे से लात मारी थी। इससे पहले प्रिया का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक प्रदर्शनकारी को चांटा लगाते दिख रही हैं, जिसके बाद उनके बाल खींचे गए थे। आइए जानते हैं पूरा मामला और कौन है प्रिया वर्मा। 19 जनवरी दिन रविवार को जब राजगढ़ में धारा 144 लागू थी, तब बरौरा कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ता नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकालने लगे। प्रदर्शन के बारे में प्रिया बताती हैं, धारा 144 लागू थी लेकिन ये लोग 19 तारीख को ही रैली निकालने पर अड़ गए। इनके कार्यकर्ताओं ने कोई बात नहीं मानी। हमने इनके बड़े नेताओं के घर जाकर बात की और इनसे 116 बॉन्ड भी भरवाए, लेकिन इन्होंने हुड़दंग मचाया। इन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट और मेरे कपड़े खींचे। हमने इनसे थाने चलकर बात करने को कहा लेकिन ये लोग खुद को छुड़वा कर भाग रहे थे। इसी बीच किसी ने मेरी पीठ पर जोर से लात मारी थी। प्रिया के बाल खींचे जाने और लात मारे जाने वाले दोनों वीडियोस के आखिर में उन पर हमले की पुष्टि करने वाली बातचीत भी सुनाई दे रही है। वैसे राजगढ़ में धारा 144 क्यों लगी थी और बीजेपी कार्यकर्ता 19 जनवरी को ही रैली निकालने पर क्यों अड़े थे, इस बारे में प्रिया बताती हैं, रविवार को ही घटना से पहले ही हम लोगों को समझाने में जुटे थे कि वो रैली में शामिल ना हों। मजिस्ट्रेट होने के नाते शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा दायित्व तो है। प्रशासन की ओर से रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। असल में पिछले साल 26 जनवरी को खुजनेर में कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी घटना हो गई थी, इसी वजह से रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं से 26 जनवरी के बाद रैली निकालने को कहा गया था क्योंकि प्रशासन राष्ट्रीय पर्व की तैयारियों में जुटा हुआ है। इनसे पहले भी दो रैलियां निकाली गई हैं जिन्हें शांतिपूर्वक ढंग से निकलवाया गया था। प्रिया ने 2014 में पीएससी का एग्जाम पास किया था जिसका नतीजा 2017 में आया था। फिर इन्होंने उज्जैन की भैरूगढ़ जेल में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेलर के तौर पर ज्वाइनिंग की। 2015 के पीएससी में 10वीं रैंक हासिल करने पर प्रिया को डीएसपी की पोस्ट मिली। 2017 में प्रिया की चौथी रैंक आई जिसके बाद उन्हें राजगढ़ में डिप्टी कलेक्टर का पद दिया गया। अभी प्रिया आईएएस की तैयारी कर रही हैं। बाल खींचने वाली घटना के बारे में प्रिया ने एनबीटी को बताया, मेरे ड्यूटी पॉइंट पर सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने लोगों से आगे ना आने और वहीं बैठने के लिए कहा था। कुछ लोगों ने बात मान भी ली। तभी एक शख्स गाली गलौज करते हुए आगे आया। हमने उसे संभालने की कोशिश की और उसके अपशब्दों की वजह से उसे थप्पड़ मारे, जिसके बाद लोगों ने मेरे साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। इस पूरे मामले में महिला अधिकारी को धक्का देने और उनके बाल खींचने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन इस प्रकरण पर राजनीति भी हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, क्या वह पार्टी की गुलाम है? पार्टी के नेताओं के इशारे पर इस तरह काम करेंगी? वो ध्यान रखें कि वो जनता की सेवक है। सत्ता के मद में चूर होकर उन्होंने जो किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और अगर FIR नहीं होती है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। शिवराज ने इस मामले पर कई ट्वीट करके इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया और कहा कि ये घटना कांग्रेस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। शिवराज के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा, राजगढ़ में बीजेपी की गुंडागर्दी सामने आ गई। महिला जिला कलेक्टर और महिला SDM अधिकारियों को पीटा गया, बाल खींचे गए। महिला अधिकारियों की बहादुरी पर हमें गर्व है। हालांकि जब नवभारत टाइम्स ने प्रिया से नेताओं के इन बयानों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। मुझे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निभानी थी। मैं किसी के भी पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल नहीं हूँ। यदि आप विरोध रैली निकाल रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं हालात काबू में रखूं। समर्थन रैली में भी हमारी यही कोशिश होती है।
नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।